दोस्तों, मेरा नाम है प्रियंक और आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। अक्सर आपने जो है लोग के स्किन पे कहीं कहीं पे जो है एकदम पैचेस के फॉर्म में ऐसा कलर देखा होगा जैसे गोरों का कलर होता है, अंग्रेजों का कलर होता है। तो कौन सी है वो स्किन कंडीशन और क्यों होती है, कैसे डायग्नोसिस करते हैं वगैरह वगैरह, सारी इन्फॉर्मेशन जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो इस स्किन कंडीशन का नाम है विटिलिगो और ये जो है वर्ल्ड की टोटल 1% पॉपुलेशन के अंदर होता है। बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, क्योंकि हम यूजुअली डार्क स्किन के होते हैं तो इस वजह से हमें ये कुछ ज़्यादा ही ऑब्वियस होता है, या फिर हमारे जैसे ही लोग जैसे अफ्रीकन वगैरह इस तरह के जो लोग हैं उनमें ज़्यादा ऑब्वियस होता है। पर होता सबके अंदर है, सारी की सारी एथनीसिटी के अंदर होता है। तो वी आर जस्ट नॉट पर्टिकुलरली एक्सपोज टू दिस काइंड ऑफ कंडीशन। अब बात करते हैं कि बेसिकली उसके अंदर क्या क्या जो है सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो जो ऑब्वियस सिम्टम है वो तो आपने देखा होगा कि एक तरह से डीपिगमेंटेशन हो रखा होता है, यानी स्किन का जो बाकी का जो कलर है, जो पूरी स्किन का कलर जो चल रहा है उसके मुकाबले जो बाकी के कुछ कुछ जगह पे पैचेस की फॉर्म में डीपिगमेंटेशन हो रखा होगा। और ये यूजुअली जो है हाथ पांव पे और एक तरह से फेस पे ज़्यादा ऑब्वियस होता है और धीरे धीरे वो और भी बढ़ने लगता है। एंड इसके अलावा जो है आपको प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर मिल सकता है, वाइटनिंग ऑफ हेयर मिल सकता है। इसके अलावा जो है क्यों ये प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर होता है ये मैंने अपने एक पिछले वीडियो में ही बताया। तो इस तरीके का वहाँ पर भी ये कंडीशन आपको देखने को मिल सकता है। एट द सेम टाइम जो आपका एक तरह से जो इनर लाइनिंग है, जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन जो इनर लाइनिंग है वहां पे भी हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल नाक के अंदर, मुंह के अंदर, आंखों के अंदर, आपके जेनिटल के अंदर, आपके एनल पार्ट के अंदर, तो ऐसे ऐसे इनर लाइनिंग के अंदर भी वहां पे भी आपको डीपिगमेंटेशन देखने को मिल सकता है। ये सिम्टम जो है आपको मेनली दो फॉर्मेट में देखने को मिलते हैं। एक फॉर्मेट है जिसे बोलते हैं कि सेगमेंटल, यानी कि वो एक तरह से कोई भी बॉडी के अंदर उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी, वो लेफ्ट राइट कहीं पे भी हो सकता है तो उसे सेगमेंटल बोलेंगे। और दूसरा जो होता है वो होता है नॉन सेगमेंटल। उस नॉन सेगमेंटल के अंदर यूजुअली जो है सिमेट्रिकल फॉर्म के अंदर होता है, यानी कि अगर मान लीजिए कि लेफ्ट आई के पास में अगर डीपिगमेंटेशन हो रखा है तो राइट आई के पार्ट के पास में भी डीपिगमेंटेशन हो रखा होगा। सेम जो है हाथों के लिए, पाँव के लिए, तो सेम पैटर्न का और सेम लेवल का जो है एक तरह से डीपिगमेंटेशन हो रखा होगा। तो ये कहलाता है एक तरह से नॉन सेगमेंटल, यानी कोई सेगमेंटेड एक पर्टिकुलर सेगमेंट में नहीं है बल्कि दोनों तरफ है। और अगर मान लीजिए इन एक्सट्रीम केस पूरी बॉडी के अंदर ही है तो उसे यूनिवर्सल काइंड ऑफ डीपिगमेंटेशन या विटिलिगो बोला जाता है। अब बात करते हैं कि बेसिकली हो क्यों रहा है। तो यहाँ पे जो है इस पूरी स्किन कंडीशन में डीपिगमेंटेशन हो रहा होता है तो हमें यह समझना होगा कि पिगमेंटेशन किस वजह से होता है। तो पिगमेंटेशन के लिए जो है यहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर एक स्पेशलाइज सेल्स होती है जिनका नाम है मेलेनोसाइट्स। अब ये मेलेनोसाइट्स जो है वो मेलेनिन नाम का पिगमेंट प्रोड्यूस करती है जिससे कि स्किन का कलर निकल के आता है। अब होता क्या है कि यहाँ पे मेलेनोसाइट जो होती है वो या तो मर जाती है, नहीं होती है, या फिर मेलेनोसाइट्स प्रेजेंट भी हो तो वो फंक्शनल नहीं होती, यानी काम नहीं कर रही होती। तो इन ईदर ऑफ द केस एक तरह से वहाँ पे मेलेनिन प्रोडक्शन होना बंद हो जाएगा और जब मेलेनिन प्रोडक्शन होना बंद हो जाएगा उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर तो वहाँ पे पैचेस की फॉर्म में डीपिगमेंटेशन दिखाई देगा। हाउएवर इसके जो अंडरलाइंग और भी जो रीजंस हैं वो बताए जाते हैं कि इट कुड बी बिकॉज ऑफ हेरिडिटी, यानी कि हो सकता है कि आपके क्लोज रिलेटिव में, आपके माँ बाप में कहीं पे जो है दादा दादी कहीं पे इस तरह की सिचुएशन रही हो, या फिर हो सकता है कि आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो। और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मतलब कि कुछ ऐसी आपकी जो है इम्यून सेल्स हो जो कि आपकी मेलेनोसाइट्स पे ही अटैक कर रही हो, यानी आपकी ही बॉडी के सिस्टम पे अटैक करना स्टार्ट कर दे। तो इस तरह का मान लीजिए अगर कोई इम्यून सेल है जो कि मेलेनोसाइट पे अटैक कर रही है तो इस तरह की कंडीशन होने की वजह से भी आपको ये एक्सपीरियंस करने को मिल सकता है। थर्ड रीजन कुड बी कि आप कोई भी स्ट्रेस की फॉर्म के अंदर है, अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है या फिर सनबर्न हो गया तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको देखने को मिल सकता है। एंड फोर्थ रीजन कुड बी कि आपको कुछ ऐसे जो है नर्व एंडिंग है वहां पे कुछ ऐसे न्यूरोकेमिकल रिलीज हो रहे हैं जिसकी वजह से वो एक तरह से मेलेनोसाइट को हार्म पहुंचा रही है। बाय द वे न्यूरॉन क्या होता है ये मैंने आपको पहले बता रखा था, आप देख सकते हैं। तो इस तरह का अगर ये कोई भी चारों में से अगर कंडीशन है तो ऐसा माना जाता है कि मेलेनिन प्रोडक्शन उन मेलेनोसाइट से बंद हो जाएगा और जिसकी वजह से वहां पे डीपिगमेंटेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें किस तरह का इनहेरिटेंस पैटर्न है। तो यहाँ पे एक तरह से जो 20% ऑफ द पॉपुलेशन होती है जिन्हें विटिलिगो होता है वो वापस ये देखा गया कि उनके भी किसी क्लोज रिलेटिव के अंदर कहीं ना कहीं पे विटिलिगो था। अब बात करते हैं कि अगर विटिलिगो हो भी जाता है तो इससे प्रॉब्लम्स क्या आती है। तो यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि बेसिकली एक तरह से कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज नहीं है, यानी कि इससे कोई भी आपके जान माल के नुकसान नहीं होने वाले, आप मर नहीं जाने वाले हो, लेकिन ये एक तरह से लाइफ ऑल्टरिंग डिजीज जरूर है, यानी कि जो आपकी एक तरह से जो नॉर्मली आदमी जो अपनी लाइफ जी रहा होगा उससे थोड़ा आपको ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपकी बेसिकली थोड़ी लाइफस्टाइल को जीने के तरीके को ऑल्टर कर सकता है। किस तरह से ऑल्टर कर सकता है, एक तो ये हो गया कि आपकी स्किन जो है क्योंकि वो डीपिगमेंटेशन हो रखा है तो इस वजह से आपकी स्किन ज्यादा जो है सेंसिटिव होगी सन को लेके। तो जब भी आप सूरज के अंदर जाएंगे तो आपको ध्यान रखना होगा कि आप कोई अच्छी सनस्क्रीन क्रीम लगा के जाएं, कोई भी SPF 30 या उसके बियॉन्ड वाला। बाय द वे जो कोई सनस्क्रीन क्रीम है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप जाके वहां से देख सकते हैं, खरीद सकते हैं।
तो ये आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि बाकी लोगों को जो है वो टैनिंग होगी, आपको हो सकता है सीधा सनबर्न हो जाए, बहुत ही इरिटेशन हो, बहुत ही दर्द महसूस हो। सेकेंड थिंग इज कि आपको रेटिना के अंदर, जैसा मैंने आपको बताया, इनर लाइनिंग के अंदर भी पहुंच जाता है, तो वहां पे भी आपको इन्फ्लेमेशन देखने को मिल सकता है। तो अगेन इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। थर्ड थिंग इज कि इसकी वजह से आपको और ऑटो इम्यून डिजीजेस भी हो सकती है, तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट। एंड फोर्थ एंड फाइनल थिंग इज कि इससे आपको सोसाइटल एम्बेरसमेंट हो सकती है, मतलब आपकी सेल्फ एस्टीम लो हो सकती है, खासतौर से अगर चेहरे के ऊपर इस तरह से कुछ होता है तो वन माइट हैव लो सेल्फ एस्टीम। तो ये एक रीजन हो सकता है, एक सोशल एम्बेरसमेंट का कारण हो सकता है। और जो है एक तरह से सेल्फ एस्टीम या सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो क्या होता है, ये आप बेटर जो है एक पिछले वीडियो में जाके समझ सकते हैं। अब इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है, तो एक जो है वुड्स लैम्प होता है, जो कि यूवी लैम्प ही होता है, और उसके थ्रू एक तरह से डायग्नोज किया जाता है डॉक्टर के द्वारा कि बेसिकली आपको सच में विटिलिगो है या फिर कोई और मेडिकल कंडीशन है, क्योंकि और भी कुछ सिमिलर काइंड ऑफ मेडिकल कंडीशन हो सकती है। तो स्पेसिफिकली डिटेक्ट करने के लिए वुड्स लैम्प काफ़ी यूजफुल रहता है। ना लास्ट एंड फाइनल इज कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो इसका एक तरह से कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, जैसे डायबिटीज का कोई ट्रीटमेंट नहीं है बट उसे मैनेज किया जा सकता है, तो ऑन द सेम नोट इसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बस मैनेजेबल है। तो मैनेज भी जो है वो एक तरह से दो तरीके से किया जा रहा होता है, तो या तो आप डीपिगमेंटेशन कर दीजिए उस एरिया का जो कि एक तरह से पैचेस के आजू बाजू की स्किन है, जिससे कि वो एक तरह से कैमोफ्लाज हो जाएगा, वो एक तरह से उसी त्वचा का पार्ट लगेगा, वो अलग से मतलब नहीं दिखेगा, और या फिर जो है आप उस एरिया का रीपिगमेंटेशन कर दीजिए जो कि डीपिगमेंटेशन हो रखा है, यानी कि जो वाला एरिया। तो इस तरीके से वहां पे जो है मैनेज किया जाता है। ये डिपेंड करता है डॉक्टर के ऊपर कि वो कॉल लेता है कि बेसिकली क्या जो है कितना लेवल का हो चुका है, कितना फैल चुका है, तो उसके हिसाब से वो थेरेपी डिसाइड कर रहा होता है। रही बात डीपिगमेंटेशन की, तो वो एक तरह से आपको एक सनस्क्रीन, अच्छी सनस्क्रीन रिकमेंड कर रहे होंगे। एट द सेम टाइम वो जैसे कि आप मेकअप से जो है उसको समहाउ अगर ठीक किया जा सके बाकी की स्किन को, तो वो भी एक तरीका है। या फिर जो है आपको मोनोबेंजोन दे रहे होंगे, जिससे कि वो भी अगेन एक तरह से मतलब ड्रग है जो दिया जाता है ताकि डीपिगमेंटेशन हो सके बाकी की सेल का। और दूसरी तरफ रीपिगमेंटेशन के लिए भी जो अगेन यहाँ पे कुछ है, जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिया जाता है, या फिर मान लीजिए कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर दिया जाता है। तो ये सब जो है वो आप, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप सीधा जाके मेडिकल स्टोर से ले लें, आप जरूर एक बार डॉक्टर के पास जाएं और आइडेंटिफाई करें सबसे पहले, तो डायग्नोज करें कि वही चीज़ है कि नहीं, उसके बाद में स्टार्ट करें डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बाद में। इसके अलावा जो है वो एक तरह से लाइट थेरेपी भी होती है, जिसके अंदर यूवी लाइट दी जाती है, और एक और जो है जैसे सर्जरी भी की जा सकती है, यानी कि उसमें एक तरह से ऑटोग्राफ्टिंग की जा सकती है कि लेट्स से आपकी कोई स्किन का जो दूसरा पार्ट है जो कि ठीक पिगमेंटेशन है, तो उसको उठा के उस वाले पार्ट पे लगा दिया जाए जिस जहाँ पे डीपिगमेंटेशन हो रखा है। तो दीज ऑल आर द वेज जिसकी वजह से एक तरह से मैनेज किया जा सकता है। लेकिन अगेन ये जो है एक तरह से एक पार्ट पे अगर हम छुपाएंगे तो पता नहीं दूसरे किस पार्ट पे, जो बॉडी के पार्ट में निकल आए, तो ये पता नहीं होता है। इस वजह से अगेन ये मैनेजेबल ही है, इसका एग्जैक्ट कोई रूट कॉज हमें क्योंकि पता नहीं है, तो एग्जैक्ट इसका क्योर भी हमें पता नहीं है। इसके अलावा अगर कोई भी सोशल एम्बेरसमेंट है या कुछ भी है, तो आप जरूर जो है साइकेट्रिस्ट से मिलें और उससे काउंसलिंग लें, उससे ये सारे सेशन लें, जिससे कि आप एक नॉर्मल लाइफ लीड कर पाएं विद गिवन ऑल काइंड ऑफ नेसेसरी प्रिकॉशंस लाइक सनस्क्रीन एंड एवरीथिंग विच एवर आई टोल्ड यू अर्लियर। सो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान।